जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार। और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार, तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 45,000 अनियमित और संविदा कर्मचारियों को रेगुलर करने की तैयारी सरकार कर रही है। जीएडी ने विभागों को पत्र लिखकर कर्मचारियों का ब्यौरा भी मांगा है। भूपेश बघेल सरकार प्रदेश के संविदा और अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की तैयारी में है। शासन स्तर पर इसकी शुरुआत हो चुकी है। सामान्य प्रशासन विभाग यानी कि जीएडी ने 30 सितंबर को सभी विभागों को पत्र लिखकर सभी अनियमित और संविदा कर्मचारियों की जानकारी मांगी है। पूरा डेटा मिलने के तुरंत बाद वित्त विभाग आकलन करेगा कि अगर अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला लिया जाता है तो इससे शासन पर कितना वित्तीय भार आएगा। हालांकि सूत्रों के मुताबिक 45,000 कर्मचारियों को नियमित करने पर शासन को लगभग 700 से 800 करोड़ रुपए साल का भार आने वाला है। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में अनियमित और संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था, और सूत्रों के मुताबिक इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार इस साल दिसंबर तक सारी प्रक्रियाएं पूरी कर लेगी और जनवरी फरवरी यानी कि चुनावी साल में इसकी घोषणा की जा सकती है। हालांकि आला अफसर अभी इस मामले में खामोश है। हमारी टीम ने वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के आला अफसरों से बातचीत की, लेकिन किसी ने भी इस मामले में टिप्पणी करने से मना कर दिया। आदिवासी आरक्षण पर समाज अब लामबंद होता नजर आ रहा है। सर्व आदिवासी समाज 15 नवंबर को प्रदेश में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने की तैयारी में है। इधर भाजपा और कांग्रेस के बीच भी तकरार तेज होती नजर आ रही है। प्रदेश में आदिवासी आरक्षण का मुद्दा अब राज्य में सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। आदिवासी आरक्षण 32% समाप्त होने के बाद से भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने दोनों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। दोनों दलों ने नेता एक एक दूसरे को जो है दोषी ठहरा रहे हैं। वही सर्व आदिवासी समाज भी इस मुद्दे पर आदिवासी विधायकों और सांसदों की चुप्पी पर मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहा है। सर्व आदिवासी समाज अब सड़कों की लड़ाई लड़ने की तैयारी में जुट गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 19 सितंबर के फैसले से समाज का 32% का आरक्षण खत्म कर दिया है। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के सोहन पोटई धड़े के मुताबिक बात करें तो इनके द्वारा जो है आज की ओर से उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करने की बात कही गई थी। एक महीने से अधिक समय हो गया, सरकार अदालत नहीं पहुंच पाई है। इससे आदिवासी समाज में काफी ज्यादा नाराजगी है। अब आदिवासी समाज ने राज्योत्सव और राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का विरोध करने का फैसला किया है। 1 नवंबर से 3 नवंबर तक प्रस्तावित इस सरकारी आयोजन के विरोध में आदिवासी समाज के लोग सांसदों, विधायकों और मंत्रियों के घर के बाहर नगाड़ा बजाकर प्रदर्शन करने वाले हैं। 25 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर की बैठक में 15 नवंबर को पूरे प्रदेश में आर्थिक नाकेबंदी का कार्यक्रम तय हुआ है। इसके तहत रेलगाड़ी मालवाहक ट्रकों को रोका जाएगा और इसके लिए जिलों और ब्लॉकों में तैयारियां भी करी जा रही है। छठ पूजा के लिए तैयारियों के लिए अब छठ घाट तैयार हो चुका है। अरपा नदी की आरती के साथ 4 दिवसीय पर्व का आगाज होगा। दूसरी दिवाली मनाने पा रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कोरोना की त्रासदी के बाद अब पहली बार दिवाली का उत्साह दिखा। यही उत्साह अब छठ पूजा को लेकर भी है। इसके आयोजन के लिए समिति ने तैयारियां पूरी कर ली है। अरपा नदी स्थित छठ घाट की साफ सफाई करके उसे आकर्षक लाइटिंग से भी सजा दिया गया है। 28 अक्टूबर शुक्रवार की शाम घाट में अरपा मैया की महाआरती के साथ ही 4 दिवसीय पर्व का आगाज होगा। बुधवार को अफसरों ने आयोजन समिति के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक आयोजित करी। अरपा का यह छठ घाट देश का सबसे बड़ा और स्थायी घाट है। इसके अलावा अगर बात करें तो मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में ये पर्व धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन अब इसे छत्तीसगढ़ में भी काफी उत्साह के साथ मनाया जाने लगा है। खास तौर पर छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पिछले 21 वर्षों से इस पर्व ने अपनी अलग पहचान बनाई है। शहर के सरकंडा और तोरवा पुल के पास बनाए गए घाट में छठ पर्व मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। यहां उत्सव का माहौल भी नजर आता है और आयोजन के दौरान मेले सा नजारा भी दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार का माहौल भी रायपुर के छठ घाट पर भी देखने को मिलता है, महादेव घाट पर।
राज्योत्सव की तैयारियां देखने पहुंचे मुख्यमंत्री बघेल, साइंस कॉलेज मैदान में अधिकारियों से व्यवस्था की जानकारी दी गई। सीएम बोले कि अब छत्तीसगढ़ की संस्कृति पूरा देश और दुनिया देखेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीती शाम को साइंस कॉलेज मैदान पहुंचकर राज्योत्सव और राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की तैयारियों का जायजा लिए। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को वहां हो रही व्यवस्था की जानकारी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्योत्सव के साथ ही 1 नवंबर को राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव शुरू हो जाएगा। 3 दिन के इस महोत्सव से देश दुनिया छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा को देखेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 41 जनजातियां रहती है, उनकी अपनी एक अलग बोली, संस्कृति और परंपरा है। उनके साथ साथ देश दुनिया की आदिवासी संस्कृति यहां संगम होगा। विदेशों की टीमें भी आ रही है, सभी लोग अपनी संस्कृति दिखाएंगे और ऐसे में देश दुनिया की जनजातीय संस्कृति को जानने समझने का मौका मिलेगा। वही छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की गौरवशाली परंपरा और संस्कृति को देश और दुनिया के लिए यह आयोजन किया जा रहा है। किसान की खुदकुशी पर अब सियासी बवाल बचता नजर आ रहा है। भाजपा अध्यक्ष अरुण साहब का कहना है कि वो कर्ज के बोझ से मर गया, ऐसे में 50 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा करने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं। विपक्षी दल अफसर बोले कि वह व्यक्ति बीमार था। प्रदेश के जसपुर इलाके में किसान की खुदकुशी के मामले में अब सियासी रूप मामला पकड़ता नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रशासनिक अव्यवस्था का आरोप लगाते हुए 50 लाख रुपए के जनहानि की यहां पर माफ की 50 लाख रुपए के मुआवजा देने की बात कही गई। साथ ही बात कहें तो खुद पार्टी के अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि बार बार किसानों को खुशहाल करने का जो दावा किया जाता है उसकी पोल खुली है। प्रदेश में किसान लगातार आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, इसको लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया। साथ ही साथ जसपुर के 26 साल के युवा किसान के 40,000 रुपए के कर्ज के लिए आत्महत्या ली। ये इस बात को दर्शाता है कि किसानों के बीच प्रशासनिक मदद की कोई उम्मीद नहीं है। यूपी में किसान की मौत के बाद पिछले साल प्रदेश की तरफ से वहां 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया था। इस मामले को जहन में लाते हुए अरुण साहब ने कहा कि बाहर के राज्यों में 50-50 लाख बांट दिया जाता है, लेकिन अपने ही प्रदेश के किसान की आत्महत्या करने पर उसे कभी पागल तो कभी बीमार करार दिया जाता है। कोई अन्य कारण बताकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास करती है कांग्रेस। अब कांग्रेस इस बात का जवाब दे कि क्या वह जसपुर में खुदकुशी करने वाले राम कुमार उर्फ उज्ज्वल यादव के परिवार को उत्तर प्रदेश के किसानों के जैसे ही 50 लाख रुपए का मुआवजा देगी या नहीं, इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब ने सवाल खड़े किए हैं। आईएएस समीर बिश्नोई और दो कारोबारियों को जेल हो चुकी है। रायपुर के सेंट्रल जेल भेजा गया। ईडी के छापे में 2 करोड़ का सोना, हीरा और कैसेस बरामद किए गए थे। छत्तीसगढ़ के आईएएस अधिकारी और समीर बिश्नोई को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। उनके साथ कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी को भी जेल में रहना होगा। न्यायिक रिमांड की ये अवधि 10 नवंबर को पूरी हो रही है। उन दिनों तीनों आरोपियों को फिर से अदालत में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने 14 दिन की पूछताछ के बाद बीती दोपहर को समीर बिश्नोई, सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी को अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में पेश किया। ईडी की ओर से बताया गया कि तीनों अभियुक्तों से उनकी पूछताछ पूरी हो चुकी है, अब इनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए। बचाव पक्ष के वकीलों ने इसका कोई विरोध नहीं किया। इसके बाद अदालत ने तीनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत के लिए जेल भेजने का आदेश जारी कर दिया। इससे पहले सुनील अग्रवाल ने कारोबार के संचालन के लिए पत्नी के नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी जारी करने के लिए आवेदन दिया। ईडी के वकील ने भी इससे कुछ बिंदुओं की आपत्ति की और उनका कहना था कि इससे कारोबारी साक्ष्यों को बदले जाने की आशंका बढ़ जाएगी। बाद में सुनील अग्रवाल ने आवेदन वापस ले लिया। छत्तीसगढ़ में डायलिसिस की सुविधा अब मुफ्त हो गई है, लेकिन सिर्फ जिला अस्पतालों में। मेडिकल कॉलेज और डीकेएस में फ्री डायलिसिस लागू नहीं। आयुष्मान कार्ड से 1680 रुपए फिलहाल चार्ज किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में मुफ्त डायलिसिस योजना चल रही है, लेकिन गंभीर मामला ये है कि ये सिर्फ जिला अस्पतालों में ही लागू है। किडनी के गंभीर मरीजों को राहत देने के लिए प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस मुफ्त करने की योजना चल रही है, लेकिन पड़ताल में खुलासा हुआ है कि डायलिसिस में सरकारी तौर पर
दो ही सिस्टम काम कर रहे हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों जैसे कि रायपुर में डॉक्टर अम्बेडकर अस्पताल, डीकेएस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में डायलिसिस मुफ्त नहीं है, बल्कि मरीजों के आयुष्मान कार्ड से पैसे काटे जा रहे हैं। केवल प्रदेश के जिला और सिविल अस्पतालों में ही डायलिसिस मुफ्त है, लेकिन बहुत सीमित जगह है जहाँ डायलिसिस के लिए मशीनें लगाई गई है। स्वास्थ्य विभाग पूरे प्रदेश में डायलिसिस के लिए 33 में से 26 जिलों में सेटअप लगा चुका है। त्योहार के तुरंत बाद भाजपा की बैठकें शुरू हो चुकी है। जामवाल ने बीते दिन बड़े नेताओं के साथ जमीनी कार्यकर्ताओं से इस बात की मुलाकात की। भाजपा ने त्योहार वाली खुशी खुमारी के बीच अब सियासी रायशुमारी शुरू कर दी है। रायपुर के एकात्म परिसर में बीते दिन विधानसभावार बैठकें बुलाई गई। इस दौरान रायपुर के कार्यकर्ताओं से भी बड़े नेताओं ने मुलाकात की। निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं से भी परिचय किया गया। ये बैठक कुछ भाजपा के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने ली है। उन्होंने सबसे पहले रायपुर की चारों विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहले रायपुर पश्चिम, फिर रायपुर ग्रामीण की बैठक ली और अब शाम तक रायपुर उत्तर और रायपुर दक्षिण विधानसभा की बैठकें ली गई। चुनाव लड़ने वाली टीम से भी चर्चा की गई और आमतौर पर राजनीतिक दलों में निचले स्तर के कार्यकर्ताओं पर ही वोट बटोरने और पार्टी के लिए माहौल तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। छत्तीसगढ़ में 4 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की कवायद अब तेज हो गई है, जिससे मेडिकल कॉलेजों की संख्या 10 से बढ़कर 14 पर पहुंचने वाली है। दरअसल बघेल की घोषणा के अनुरूप अब बात करें तो चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 4 नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए अब कवायद तेज कर दी है। डीएमई केंद्र से हरी झंडी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार प्रदेश में अगले साल कवर्धा, जांजगीर चांपा, मनेंद्रगढ़ और दंतेवाड़ा में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। केंद्र प्रवर्तित योजना के तहत ये कॉलेज खोले जाने हैं। एक एक मेडिकल कॉलेज बनाने में 500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। चारों कॉलेजों में 100-100 सीटें रहेंगी और इससे अगले साल MBBS की कुल 400 सीटें बढ़ जाएंगी। आकाश शर्मा युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। 71% वोटों से यहां पर चुनाव जीता था। साक्षात्कार के बाद नियुक्ति दी गई और दो हारे हुए दोनों डेलीगेट उपाध्यक्ष बना दिए गए हैं। राष्ट्रीय युवा कांग्रेस ने आकाश शर्मा को छत्तीसगढ़ में संगठन का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। आकाश शर्मा ने पिछले महीने 71% से अधिक वोट हासिल कर युवा कांग्रेस का चुनाव जीता था। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में एक साक्षात्कार के बाद आकाश को नियुक्ति पत्र दे दिया गया। इस चुनाव में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे आशीष मोनू अवस्थी और स्मानस सुमस पांडे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। 2 माह में दूसरी बार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं मोहन भागवत। दिलीप सिंह जुदेव की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। जसपुर अंबिकापुर में कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। संघ सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भागवत 14 नवंबर को जसपुर और 15 नवंबर को अंबिकापुर में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। सबसे पहले 14 नवंबर को भागवत जसपुर में भाजपा नेता दिलीप सिंह जुदेव की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद 15 नवंबर को अंबिकापुर में संघ के बड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां संघ की यूनिफॉर्म में बड़ी तादाद में स्वयंसेवक संघ प्रदेश भर से जुटेंगे और दूसरे राज्यों से भी संघ के सदस्य पहुंच सकते हैं। 2 महीने पहले तकरीबन सप्ताह भर रायपुर में ही रहकर भागवत ने संघ से जुड़े संगठनों की अहम बैठक ली थी। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुँचा सकें।